हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पिछली वीडियो में जो कुछ बचा हुआ था उसका टॉपिक का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और रूमर में कैसे बदलते हैं। तो इसका सेंटीग्रेड पहले हम बताएंगे फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दो सौ बारह डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दी। चलो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फारेनहाइट में बदलना हो, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है डिग्री फारेनहाइट जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है -32/9। इसका इसमें डिग्री सेंटीग्रेड का मान हमें दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, डिग्री फारेनहाइट का मान दिया हुआ है। तो इसमें मान जैसे कि वो मान रख देंगे अपन डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5। फारेनहाइट का मान दिया है अपन को 212 -32/9। जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर 212 में से 32 घटाएंगे तो 180/9। इसको ऐसे हम अब इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे या फिर डायरेक्ट कट रहा है तो इसको काट लेते, पहले शॉर्ट कर लेते हैं। तो 180 से कट गया 20 बार, तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा, जिसके नीचे एक कुछ भी नहीं तो उसके नीचे बटा एक माना जाता है। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 5 × 20। तो डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमने मान चेंज कर लिया। अब इसी प्रकार अगर हमको डिग्री फारेनहाइट को रूमर में बदलना हो तो जैसे कि यहाँ पे ही कर लेते अपन, डिग्री फारेनहाइट से रूमर में, डिग्री रूमर में तो मान सेम यही ले लेते अपन, जैसे कि 212 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री रूमर में बदलो। तो सेम ही इसी प्रकार करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है डिग्री फारेनहाइट -32/9 बराबर डिग्री रूमर बटे 4। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ता है क्योंकि ये फॉर्मूला से हम सभी मान बदल सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर डिग्री फारेनहाइट का मान दिया हुआ तो 212 -32/9 बराबर r/4। सिमिलरली 180/9 बराबर r/4। तो इसको हम पहले तो काट लेते हैं 20, जैसे कि 20 बार कट गया r/4, 4 × 20 बराबर हो गया डिग्री रूमर। तो डिग्री r का मान कितना आ गया, 80 रूमर। क्या हो गया इसका आंसर, वो इस प्रकार से हम डिग्री, पहला क्वेश्चन देखा हमने डिग्री फारेनहाइट को हम रूमर में या डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है कि दूसरा क्वेश्चन, दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, कोई भी मात्रक पूछ लिया जाता है। जैसे कि सिंपली एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 1 लीटर किसकी इकाई, अर्थात लीटर किस, लीटर की इकाई क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है जैसे कि लीटर की इकाई, तो इसका सिंपल अपन को ऑप्शन में दे दिया जाता है कि जैसे कि क्षेत्रफल की, दबाव की, घनत्व की या समता की। तो ये किसकी इकाई होती है, समता की। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि सौ मेगावाट में कितने वाट होंगे, 100 मेगावाट में वाट होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता होता है कि 100 मेगावाट अर्थात मेगा मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर -3। तो इसको सोल्व करेंगे 10 × 10 की पावर -3, तो हो जाएगा ये 100 × 1/पावर। माइनस का मतलब होता है कि अपॉन में होती है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि 0 से 0 कट जाती है, तो बचा आपके पास 1/10। अब इसको वाट में बदलने के लिए क्या होता है, 1 में 0 को भाग देंगे तो 0.1 वाट, जो कि इसका आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है अपने पास, 1 जूल में कितने नैनोमीटर होते हैं। एक जूल को नैनोमीटर में बदलो, तो 1 जूल को नैनोमीटर में बदलने के लिए हम करेंगे 1 जूल = 1 नैनोमीटर होता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पांचवा, एपीएस पद्धति में वेग की इकाई, एपीएस में वेग तो एपीएस पद्धति में वेग की इकाई होती है फीट प्रति सेकेंड, और त्वरण की, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है कि 7 मीटर 25 सेंटीमीटर में कितने, 25 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर कितना हो गया, 7 × 100 = 700 सेंटीमीटर। इसके बाद हम करेंगे, जैसे कि अब हमको ये दोनों मात्रक सेम होने चाहिए, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो अपन को पूछा 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 7 × 700 सेंटीमीटर + 25, तो टोटल कितने हो गए 725 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम निकाल किसी भी मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 पाउंड को किलोग्राम में बदलना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम। तो इसको 5 पाउंड को उनको क्या बदलना है, किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 × 0.4536। इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 2.268 किलोग्राम। इससे हम क्या निकल सकते हैं, पाउंड को किलोग्राम में बदल सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मन से पूछ लिया जाए कि किसी का मात्र, जैसे कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाए कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिससे हमें सभी को इंटरचेंज या मतलब किसी भी डिग्री तापमानों को परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर डिग्री ड्यूमर बटे 4 बराबर के माइनस 273/5। अच्छा, एक और के का मतलब होता है केल्विन। तो एक बार इससे भी रिलेटेड हम एक सवाल कर लेते हैं, जैसे कि 373 केल्विन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड
होंगे तो हमें दिया हुआ है, तो हम इन जिस जो जो चीज़ें हमें निकालनी है उसमें से इन दोनों को उठा लेंगे। जैसे कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में संबंध निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन फाइव बराबर केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई फाइव। तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे फाइव से सेम टू सेम एजिट देगा, केल्विन की जगह क्या दिया 373 माइनस 273 बटे पाँच। तो सेम वही प्रोसेस डिग्री सेंटीग्रेड बटे पाँच, तो 273 में से 373 में 273 जाएंगे तो बचे 100 अपॉन 5, तो डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा अपने पास 100 में 20 बार, और इसको 5 से डिग्री सेंटीग्रेड को 20 गुणा 5 बजे गुणा करने पर तो डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट और अंतिम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से क्वेश्चन हमें से मैकेनिकल डिजिटल ट्रेड में मैगजिम या हर बार पूछा जाता है कि किसी को किसी में से घटाएं। जैसे कि 36 क्वेश्चन लेते हैं हम, 36 मीटर और 65 सेंटीमीटर को 62 मीटर और 80 सेंटीमीटर में से हमें घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उसे सेम टू सेम प्रोसेस होती है, 62 मीटर को एक साइड लिख लेते हैं और अपन सेंटीमीटर को एक साइड लिख लेते हैं। तो 62 मीटर और 80 सेंटीमीटर में से हमें घटाना है 65 सेंटीमीटर और 36, ये इसको सिंपली घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा अपने पास 5 या 7, 7 में से क्या था 1, 62 में से 6 और यहाँ पे 5, 5 में से 2 क्या था 2, तो अपने पास बच जाएगा 26 बस बच गया, आंसर आ गया 26 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इससे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 26 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन के टॉपिक के साथ, तो बने लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।